मूलांग तीन वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर के होते। अच्छे जो हैं लीडर्स बन सकते हैं अगर ये लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके लिए वो बहुत ही बेस्ट जाती है। मार्केट के को अच्छे से समझ के, उसके टेक्निकल वैल्यूज़ को अच्छे से समझ के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहता है। अगर आप रेगुलरली केसर का तिलक आप अपने माथे पे लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। नमस्कार, मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर और साथ में टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एनबीटी लाइफ की इस खास पेशकश न्यूमरोलॉजी अनलॉक्ड में। आज हम न्यूमरोलॉजी अनलॉक्ड में बात करने वाले हैं मूलांक तीन की, यानी कि मूलांक तीन वाले लोगों का करियर कैसे वो डिफाइन कर सकते हैं, अपने करियर को किस तरीके से चूज कर सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं तो उन्हें कौन सी इन्वेस्टमेंट्स बेटर रहेंगी। अगर वह बिजनेस में फ्लॉरिश नहीं कर पा रहे, करियर में फ्लॉरिश नहीं कर पा रहे, जॉब में फ्लॉरिश नहीं कर पा रहे, तो कौन सी रेमेडीज़ करके वो अपनी लाइफ को और बेटर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस खास पेशकश को। तो आइए बात करते हैं मूलांक तीन। अब ये पहले मूलांक तीन कैसे जानेंगे, आइए जानते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है या फिर 30 है तो आपका मूलांक बनता है 3। और आपको जो जुपिटर जो है वह प्लैनेट गवर्न करता है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो वेल्थ के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जो मूलांक तीन वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर के होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और साथ में हमेशा इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद होता है। इसके साथ साथ इन लोगों की नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर बात करें इनके करियर्स की तो ये बहुत ही अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, अच्छे जो हैं लीडर्स बन सकते हैं। इसके अलावा इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो अच्छे स्पीकर्स भी बन सकते हैं, अच्छे राइटर्स बन सकते हैं। क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये माइंड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, साथ में सिंगर भी बन सकते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट। अगर आप देखेंगे कोई भी बड़े जर्नलिस्ट देखेंगे तो वो भी मूलांक तीन के अंदर ही आते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके की इन्वेस्टमेंट ये लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो अगर ये लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके लिए वो बहुत ही बेस्ट जाती है। यहीं अगेन मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ना कि स्पेकुलेशन की, क्योंकि स्पेकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए। मार्केट के को अच्छे से समझ के, उसके टेक्निकल वैल्यूज़ को अच्छे से समझ के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहता है। कोशिश करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखें, शॉर्ट टर्म ना रखें। जैसे कि मूलांक तीन का स्वामी यानी कि प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, ये एक प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट है जो वेल्थ के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। तो कोशिश करें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर करें। आप बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी लाइन अगर चूज़ कर रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी में जा सकते हैं या खुद का एडवर्टाइजिंग कंपनी भी खोल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है और साथ में आप इसके अंदर एक्सेल भी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आप अपने करियर में किस तरीके से ग्रोथ पाएँ, अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। अगर आप रेगुलरली केसर का तिलक आप अपने माथे पे लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा, साथ में आप अपने बिजनेस में ग्रोथ भी पा पाएंगे। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नीम के प्लांट्स जो है लगाना शुरू करें। अगर आप नीम का ट्री लगाएंगे तो वो भी आपके लिए लकी रहेगा। नंबर से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप अपने
मैसेजेस हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे साथ इसी तरीके से NBT लाइफ न्यूमरोलॉजी अनलॉक्ड में जुड़े रहें। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से डिफरेंट न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और भी नई जानकारी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपनों का और अपना ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार।